हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एसएमएस से। मार्केट स्टॉकर सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे ईके एनर्जी को लेके आ गया है वो हफ्ता, यानी कि हर किसी को इस हफ्ते का इंतजार था, वो इंतजार की घड़ियां बिल्कुल बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। क्या कुछ हो रहा है, एक नहीं दो यहां पर डेट आ चुकी है, दो दिन क्या कुछ हो रहा है, यहाँ पर पूरा डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू करेंगे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, अदरवाइज एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज मिस कर जाएंगे। तो गाइस, बात करें 20 जनवरी की, यानी कि सैटरडे का दिन, यहाँ पर हल्का सा इसमें अपसाइड ट्रेंड इसमें देखने को मिला। मार्केट की सिचुएशन खराब थी, बट यहाँ पर बात करें तो डंपिंग इसमें देखने को नहीं मिली। 411 रुपए तक ये नीचे गया था, बट ऊपर दोबारा से आ गया था, वापसी इसकी जल्द ही हो गई थी। एंड 419.75 रुपए तक ये ऊपर गया था। इसके 52-week लो की बात करें, 355.25 रुपए इसका 52-week लो है। हाई की बात करें तो 1295 रुपए इसका 52-week हाई है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम करीब 3100 रुपए के आसपास तक जैन 2022 में गया था। एंड अगर बात करें इसके एनालिसिस की, तो जो आज वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, यानी कि 20 तारीख को जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, 40,000 इक्विटी के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, यानी कि इक्विटी भी काफी कम है, बीएससी पे लिस्टेड है। एंड अगर बात करें शॉर्ट एनालिसिस की, 3 स्ट्रेंथ है, 5 वीकनेस है, 1 अपॉर्चुनिटीज है, 0 थ्रेट है, फेस वैल्यू 10 रुपए है। एंड इसके अलावा अगर बात करें सेंटिमेंट की, 100% इसमें जो कि कम्युनिटी सेंटिमेंट है, बाइंग का रिकमेंड कर रही है। एंड अगर बात करें यहाँ पर फाइनेंशियल की, तो क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो गाइज काफी कुछ यहाँ पर हुआ था, सबको पता है, हर वीडियो में मैंने बताया है। एंड उसके बाद अभी थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर कुछ इवन एक जो कि प्रकाश बोल सकते हैं कि एक हल्की सी किरण यहाँ पर देखने को मिली है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर लॉस जो है काफी ज्यादा है। ईपीएस की बात करें, यहाँ पर सिचुएशन जो कि नेट प्रॉफिट वाली है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर दिसंबर की होल्डिंग आ चुकी है, डंपिंग हुई है प्रमोटर के, बट हल्की सी जिसका असर इतना देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर बात करें एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो बिल्कुल स्टेबल है। डीआईए की बात करें तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज हुई है, अदर्श की बात करें 0 है। एंड अगर बात करें यहाँ पर इसकी पेश कंपनी की, आईटीसी, ग्रेशेम, आरआईएल, एसआरएफ इसकी पेश कंपनियां हैं। एंड न्यूज की बात करें, टोटल इक्विटी देख लेते हैं। सबसे पहले इक्विटी जो है 2,75,00,000 इक्विटी है, जिसमें से 2 करोड़ से ज्यादा तो प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप के पास है। 73 लाख इक्विटी जो है पब्लिक के पास है, जिसमें एफआईआई, डीआईए, अदर सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो गाइस, इक्विटी तो ज्यादा नहीं है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन की, तो गाइस गुलमर्ग जैसी यहाँ पर जो कि जो प्लेस है, वहां पर इतनी बर्फबारी होती थी, इतना यानी कि बर्फ से ढका हुआ होता था, बट अभी जो है ऐसी सिचुएशन आ गई है कि एनवायरनमेंट की, कि मतलब वहां पर भी बर्फ नहीं है, यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेके काफी कुछ हो रहा है। यहाँ पर अगर बात करें इंडिया की बात करें, आउट ऑफ इंडिया की बात करें, तो गाइज इसमें जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है ईके एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें पोल्यूशन को लेके, तो गाइज ऑफकोर्स यहाँ पर हर कंपनी को अभी कार्बन क्रेडिट और उन सब की रिक्वायरमेंट अभी आगे एक मैंडेट टाइप हो यहाँ पर जो कि होने वाला है, कि ये तो होना ही है, इतने कार्बन, इतना एनवायरमेंट में इतना पोल्यूशन छोड़ने के लिए इतना कार्बन क्रेडिट होना जरूरी है। तो ये सब चीजें ऑफकोर्स यहाँ पर आगे जो है काफी कुछ इफेक्टिव होने वाला है। एंड एग्जैक्टली मैंने कार्बन क्रेडिट को लेके पहले भी मैंने काफी वीडियो आप तक शेयर किए हैं ईकेआई एनर्जी के वीडियो के साथ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें COP28 की मीटिंग की, तो गाइस उसमें भी काफी कुछ पॉजिटिव देखने को मिला है। मिस्टर मनीष डबकारा जी ने जो कि क्लियरली ये इवन एक स्टेटमेंट में भी बोला था कि यहाँ से काफी कुछ हमें जो कि मिलेगा। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर जो कि एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है ईकेआई एनर्जी के लिए COP28 में देखने को मिला। एंड इसके अलावा जो कि मनीष डबकारा जी ने बोला था कि एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर हमें लग सकते हैं, बट चीजें जो है स्टेबल हो जाएंगी। तो गाइज वो टाइम अभी लगभग वो टाइम आ चुका है, जब यहाँ जो इसकी सिचुएशन जो कि फाइनेंशियल वाली सिचुएशन थी, उसको रिकवरी होने में जो कि करीब करीब 3 क्वार्टर के आसपास जो कि आ चुकी है चीजें। तो गाइज हो सकता है कि इस क्वार्टर में कुछ एक हल्की सी यहाँ पर जो कि पॉजिटिविटी वाली झलक देखने को मिले। एंड ऑफ कोर्स हर किसी को यही एक उम्मीद है,
एंड अब देखना बाकी ये है कि अभी क्या कुछ होगा। तो अब बात करें इसके न्यूज की, तो गाइज यहाँ पर इसकी इन्वेस्टर्स मीटिंग को लेके भी यहाँ पर अनाउंसमेंट आ चुकी है। रिजल्ट तो आएगा ही, उसके बाद 24 जनवरी को इसकी इन्वेस्टर्स मीटिंग है, यानी कि स्केड्यूल्ड की गई है उसको कि अनऑडिटेड रिजल्ट जो भी रिजल्ट में होगा वो डिस्क्राइब किया जाएगा, उसमें क्या कुछ उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे कि कहाँ पर क्या कुछ जो कि अभी कमी रह गई थी, कहाँ पर कब ये चीजें पूरी हो सकती है, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी जो कि इन्वेस्टर्स मीटिंग जैन 24th को होंगी। एंड इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आ रहा है गाइज इसका, जो कि इवन मैंने पहले भी बताया 23rd ऑफ यहाँ पर जैन को रिजल्ट आएगा, क्वार्टरली रिजल्ट, यानी कि इसी हफ्ते यहाँ पर रिजल्ट का धमाका होने वाला है एकेआई एनर्जी में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें यहाँ पर जो कि ये न्यूज हर जगह आई है इन्वेस्टर्स मीटिंग को लेके, 24th ऑफ जैन को यहाँ पर मीटिंग हेल्ड की गई है इन्वेस्टर्स की, एंड एनालिस्ट जो इससे क्वेश्चन आंसर होंगे एंड उसका रिप्लाई करेंगे, एंड जो भी कमी होगी वो ऑफकोर्स यहाँ पर जो कि चीजें वहां पर रखी जाएंगी। तो गाइज अभी देखना बाकी ये है कि 23rd एंड 24th को क्या कुछ होने वाला है, काफी बड़ा इस हफ्ते में घटने वाला है एकेआई एनर्जी में। सो मेरे हिसाब से ये लेवल काफी बेहतरीन है, काफी टाइम से मैंने इस लेवल पे देखा है इस शेयर को, एंड यहाँ से जंपिंग के काफी चांसेस हैं, एंड ऑफकोर्स यहाँ पर एक फ्यूचर में एक बेहतरीन प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, एक जबरदस्त प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। सॉरी आने वाला फ्यूचर जो है काफी ब्राइट है अगर बात करें एकेआई एनर्जी की। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दी वीडियो, प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, टेक केयर।